हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नेम है द एसेज ऑफ एलिया एंड एलिना। इसके ऑथर हैं चार्ल्स लैम। आपका पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट टू एंड यूनिट नंबर इज 5। ओवरऑल इस बुक में क्या क्या चीजें हैं, क्या इसका थीम है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, क्या इसका इन्फ्लुएंस है, किस चीज से ये एसोसिएटेड है, वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि पूरी बुक तो डिस्कस नहीं की जा सकती, कि नहीं, तो वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात, इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है। जो ये बुक में एसेज हैं, द एसेज वर इनिशियली पब्लिश्ड इन वेरियस पेरियोडिकल्स बिटवीन 1820 टू 1825। तो अलग अलग पेरियोडिकल्स का मतलब अलग अलग मैगजीन्स में पहले ये ऐसे पब्लिश हो चुके थे। बाद में इन सभी एसेज को चार्ल्स लैम ने एक बुक में पब्लिश किया, ठीक है। और याद रखना, ये जो सारे एसेज थे, इसका फर्स्ट एडिशन यानी कि पहली बुक पब्लिश हुई 1823 में। इसका नाम था द एसेज ऑफ एलिया एंड एलिना। ओके, सो चार्ल्स लैम की ये बुक सबसे पहले पब्लिश हुई 1823 में, फर्स्ट एडिशन, जिसका नाम था द एसेज ऑफ एलिया एंड एलिना। फिर उसके बाद इसका सेकंड एडिशन पब्लिश हुआ 1833 में, जिसमें कुछ और ऐसे भी डाले होंगे, कुछ निकाले होंगे, कुछ ऐसे में चेंजेस किए होंगे। उसका नाम था फिर द लास्ट एसेज ऑफ एलिया। तो दो बुक्स इसी नाम से पब्लिश हुई, अलग अलग एडिशन है, आपने समझ लेना है। इसका योनरा क्या है, तो ये एसेज में आता है। ओके, लैम्स एसेज कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग पर्सनल एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शंस, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इन एसेज में क्या है, पर्सनल एक्सपीरियंस उनके, वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं उनके बारे में, उनके आइडियाज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और एवरीडे लाइफ का उनका ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें इन एसेज में हमें देखने को मिलती हैं। सो इसका लिटरेरी पीरियड क्या है, चार्ल्स लैम वॉज पार्ट ऑफ द रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। ये भी लिखने वाली बात है, ये रोमांटिक पीरियड से एसोसिएटेड है। हाउ एवर दिस हिज एसेज वाइल कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ रोमांटिसिज्म ऑल्सो एक्सिबिट करेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्ली 19th century एसे राइटिंग स्टाइल। तो ये भी इसमें हमें देखने को मिलता है कि अर्ली 19th century में जिस तरीके के ऐसे लिखे जाते थे, वैसा स्टाइल इन्होंने भी फॉलो किया। तो ये दोनों चीजें आप लिख सकते हो। तो अभी हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। The essays in the essays of Elia are structured as personal reflection. ये personal reflection है, यानी कि वो अपने खुद के ideas present करते हैं। Often containing autobiographical elements. इसमें हमें autobiographical elements भी मिलते हैं। Autobiographical elements का मतलब क्या है, कि वो अपनी personal life के बारे में खुद ही लिख रहे हैं ना, तो अपनी personal life से ही इन्फ्लुएंस होकर अपनी पर्सनल लाइफ के इंसिडेंट्स यहाँ पे शेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उस चीजों के बारे में लिखते हैं। तो इसीलिए इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है, पर्सनल रिफ्लेक्शन तो है ही। चार्ल्स लैम राइट्स इन अ कन्वर्सेशनल एंड फैमिलियर टोन। तो कन्वर्सेशनल टोन में लिखते हैं, यानी कि जैसे जिसे कहते हैं द्वंद्वाद, जिसे कहते हैं डायलेक्ट, ठीक है, डायलेक्टिक मेथड। तो ये डायलेक्टिक मेथड में ये होता है कि कोई भी जो राइटर है वो इस तरीके से लिखता है कि जैसे वो किसी से बात कर रहा हो। तो इन एसेज में एक एक करेक्टर कुछ क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर करता है, तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही पूरा ये ऐसे होता है। डिस्कसिंग वेरियस सब्जेक्ट विद विट, ह्यूमर एंड कीन सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये तो है ही, ह्यूमर भी यूज करते हैं, विट भी यूज करते हैं, विजडम यूज करते हैं, और ये सारी चीजें इसमें है। These essays are generally of moderate length and cover a diverse array of topics, showcasing Lamb's versatility as an essayist. तो अलग अलग इसमें टॉपिक्स है जो इसमें कवर्ड है, इस पूरे आप कह लो कि बुक में। चलो, तो अभी आपको और चीजें इसके बारे में बता दूं, हमें अभी पढ़ना है एलिना, एलिना के बारे में और अलग अलग ऐसे क्या है वो सारी चीजें इसमें मुझे बतानी है आपको। तो फिर कंप्लीट वीडियो में ये सारी चीज़ें, और कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला के ऊपर, या वेबसाइट विजिट करना अमन पाठशाला .com। वहाँ पे आपको इस टॉपिक के ऊपर कंप्लीट वीडियो और ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट टू और एमए इंग्लिश के सभी टॉपिक्स के ऊपर कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे। लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो, सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल है। अपना ध्यान रखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक भी करना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।